नमस्कार मध्यान ओडिशा को स्वागत संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाएवा। पुंजी बजार अभूतपूर्व उत्साह प्रथम थर लागि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक 45,000 छुईछि। मुद्रानीति संपर्क में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास को घोषणा पर पुंजी बजार में विपुल उत्साह देखा देछि। आरबीआई घोषणा कर सुध हार में कौन परिवर्तन होना एवं रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रही। सीआरआर बा क्याश रिजर्व रेट 3% और बैंक रेट 4.25% रही। घोषणार प्रभाव सूचकांक पड़ी और प्रथम थर लगी सेनसेक्स 45,000 छुई। से हीपरि आरबीआई आसंता वर्ष आर्थिक वर्ष लागि अभिवृद्धि दर में परिवर्तन करिछि। पूर्वर अनुमान करा जाउथिला अभिवृद्धि दर रहिब -9.5%, एबे एथिरे संशोधन करा जाइछि आ आकलन करा जाइछि जे जीडीपी अभिवृद्धि -7.5% रहिब। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाएबा। कोविड मुकाबला लागि प्रस्तुत हेब रणनीति आउ एथिलागि आज सकाळ 10:30 बसिछि सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसुथिबा एहि बैठक में विभिन्न दलर प्रतिनिधि जोगो दैछन्ति। सांसद चंद्रशेखर साहू बैठक में बीजेडी पक्षरु प्रतिनिधित्व करुछन्ति। वर्चुअल मीट रे ई बैठक आयोजन करा जायछि। एथिरे प्रधानमंत्री व्यतीत केन्द्र गृहमंत्री प्रतिरक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य मंत्री माने मध्य उपस्थित रहिछन्ति। संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी एवं विभागीय राष्ट्रमंत्री अर्जुन राम मेघवाल मध्य उपस्थित अछन्ति। बैठक में कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी एवं गुलाम नबी आजाद टीएमसी सुदीप बंदोपाध्याय एवं ट्रेक ओब्रालेन प्रमुख उपस्थित अछन्ति। सेहिपरि वाईएसआरसीपी विजय रेड्डी एवं मिथुन रेड्डी एआईएमआईएम एमेताज अली एवं शिवसेनार विनायक राउत जेडीयू आरसीप सिंह भाग नहीं। महामारी कोविड समय रे यह हेउछ द्वितीय सर्वदलीय बैठक। संसदर शीतकालीन अधिवेशन संपर्क में मध्य बैठक में आलोचना होबार अछि। वर्तमान चाषी आंदोलन इत्यादि दृष्टि देखिले एहि बैठक को बेस गुरुत्वपूर्ण मने करा जाउछि। तेरे संपर्क में अधिक आलोचना करने नुआदिल्ली शासक जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विनीत। विनीत जी, अभी बैठक चल रहा है, क्या कुछ वहां पे अभी प्रसंग, क्या कुछ मुख्य प्रसंग वहां पे अभी आलोचना की हो रहा है वहां पे? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्य मुद्दा है वो कोरोना ही यही है जिस पर मैं चर्चा हो रही है। साफ तौर पर सरकार जो है जिस तरह की स्थिति है वह कोरोना को लेकर के उसके बारे में विपक्षी दलों से बात कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी पार्टियों के भी संपर्क में रहे हैं, सभी पार्टियों के संपर्क में रहे हैं और इसी को लेकर के पहले भी सर्वदलीय बैठक कर चुके थे और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने बैठक की थी। अब फिर से एक बार वो सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं जिसमें सभी जो पार्टियां हैं उसके फ्लोर लीडर्स के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पर कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक जो है वो सावधानी ही बरतनी पड़ेगी और उसी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह अब चुकी है, अब बात कल एम्स के डायरेक्टर ने भी कह दिया कि अगले साल में जो कोरोना का वैक्सीन है वो आ जाएगा और इसके साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की खोज चल रही है वो पूरी हो जाएगी और वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगा। तो किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाए, किस तरह से लोगों को वैक्सीन पहुंचाया जाए, किस तरह से आखिरी आदमी को वैक्सीन पहुंचाया जाए, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, कॉस्टिंग क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि वैक्सीन जो है वो लोग सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके, कम से कम कीमतों में पहुंचाया जा सके या फिर अगर जरूरतमंद तो उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन को वैक्सीनेशन के स्टोरेज की बात होती है वो स्टोरेज भी एक बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि काफी कम टेम्परेचर में रखा जाता है तो एक कोल्ड चेन जो बनाया जाएगा उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को कॉन्फिडेंस में रह करके ही इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका ये साफ तौर पर मानना है कि जो कोरोना की महामारी है उसमें सभी को मिलकर के
लड़ना चाहिए और इसी कड़ी में वो आज बैठक कर रहे हैं। लगातार बैठक में हो रही है, लगभग डेढ़ घंटे से अधिक बैठक का समय हो चुका है और इसी चीज पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई और वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चा की जा रही है। जी विनीत जी, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नवा दिल्ली जोड़ी हुई हम प्रतिनिधि विनीत सविशेष अधिक सूचना दूसरे। सांसद चंद्रशेखर साहू सर्वदलीय बैठक में बीजेडी पक्ष प्रतिनिधित्व करिछन्ति। वर्चुअल मीट्रे बैठक आयोजन करा जाय छि। एतरे कोविड मुकाबलार द्वितीय लहरी पई प्रस्तुति एवं कोविड टीका प्रदान ने आलोचना हेउछि। पूर्वरु मध्य ए संपर्क रे प्रधानमंत्री विभिन्न पर्याय रे मुख्यमंत्री मानक सह आलोचना करिछन्ति। विभिन्न राज्य रो मुख्य शासन सचिवों सह मध्य आलोचना होइछि। कोरोना स्थिति उपर नजर पकाइबा, देशरे कोरोना मृत्यु संख्या 1,39,188 को वृद्धि पाइछि। एथिसह देशरे 24 घंटा रे कोरोना नेछि 540 जणक जीवन। दिनकरे 36,595 जण कोरोना रे आक्रांत होइछन्ति। एथिसह मोट आक्रांतक संख्या 95,71,559 को वृद्धि पाइछि। सेहिपरि मोट आक्टिव केस 4,16,082 रहितबा बेले 90,16,299 जण आक्रांत सुस्थ होइतिबा केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। महंगा पड़ा संपर्क डोरी, प्रदीप नारे अनेक संगीन अभियोग। आईपीसी एवं आईटी आईन विभिन्न दफारे रुजु होई मामला, जमीन नामंजूर हेबा परे प्रदीप एवं जेल रे। झारपड़ा जेल रो आइसोलेशन सेंटर रे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही। जेल रे थिबा आइसोलेशन सेंटर रो 14 नंबर बेड रे रहुछंती विधायक। जेल रे कटिला राती, आज सकाळु खाइछंती उपमा तरकारी। गोपालपुर विधायकक नुआ ठिकणा पालटिछि झारपड़ा जेल। आज प्रदीप को रिमांड आवेदन होई पारे। गतकाली तांकु सीआईडी क्राइम ब्रांच गिरफ करी भुवनेश्वर एसडीजेएम को कोर्ट रे हाजर करथिले। सेठारे तांकर जामिन खारज होई जायथिला। जामिन खारज करबा सह तांकु 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत को पठाई दैछंती कोर्ट। साइबर थाना रो केस नंबर 26 अनुसारे तांकु गिरफ करा जायछि। प्रदीप को विरोध रे लागिछि संगीन दफा। आईपीसी रो 419, 420, 467, 468, 469 दफा लागिछि। सेहिपरि आईपीसी रो 471 एवं 420 बी दफा एवं आईटी आईन रो 66 सी एवं 66 डी दफा लागिछि। आकाश पाठक ठके रे संप्रक्ति अभियोग रे तांकु गिरफ करा जायछि। कोर्ट हाजर बेले प्रदीप गणमाध्यम आगरे कहिछन्ति जे जहां आशा करूथिली सेया हला। तांकु विरोध रे संपूर्ण षडयंत्र करा जायछि। जा हबार थिला हे गला, जा भाबुतली से हला, जा भाबुतली अरेस्ट हवा कथा मु भाबुतली अरेस्ट करले। मु जा भाबुतली आईएफएस अभयकांत कपू आकाश ठकई रतनाघना चली। टाटा मोटर्स एमटी भाव में परिचय दे आकाश जो दुर्नीति चलते तार तदंत करुछि कमिश्नरेट पुलिस। ए बाबद खारबड़ानगर थाना पुलिस पक्षर् टाटा एमटी को चिठी लिखा जाए। टाटा मोटर्स एमटी भाव में आकाश जो परिचय पत्र देखा ठके करुते से नहीं स्पष्टीकरण लोड़ी पुलिस। ट्रावेल एजेन्सी स्काइकिंग जरिया चार्टर्ड फ्लाइट बुक करवा बेले आकाश निजक टाटा मोटर्स एमटी भाव में परिचय दे आसुले। गतकाल स्काइकिंग ऑफिस रे कागजपत्र जांच सह संस्थार मुख्य को पचराउचरा करथिला पुलिस। टाटा कंपनी पक्षर् उत्तर आसिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान न्यायजीव बोली कहिछि खारबेड़ानगर थाना पुलिस। तबड़े बापा अभयकांत सह आकाश को तीन दिनिया रिमांड रे कटक मुख्य कार्यालय रे घन घन जेरा करुछि विजिलेंस। उभय को अलग अलग कोठरी रे विजिलेंस रो दुईटी टीम पचराउचरा करुछन्ति। प्रति टीम रे तीन जण विजिलेंस अधिकारी सह जणे जणे चार्टर्ड अकाउंटेंट मध्य रहिछन्ति। बौद्ध रे वन विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी भाबरे कार्य करुथबा
बेले अभयकांत नारे सात रु अधिक पिटीशन दायर होइथिला अदालत रे। बेआईन पदोन्नति नेई बौद्ध फरेस्टर पिटीशन दायर करथिले। अरण्य भवन रेड बेले विजिलेंस हाथ में तथ्य लगता सेपटे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें ब्रह्मपुर में तदंत करुवा एसआईटी टीम हाथ में लगी आईएफएस अभयकांत बैंक आकाउंटर तथ्य। सहर तीनो बैंक में खोल जाता सात आकाउंट मध्य अभयकांत ना गोटे आकाउंट रही बाकी छह आकाउंट संपर्कों ना रही केवल एसबीआई में अभय आकाउंट अच्छी दुईट इन्सुरांस कंपानी चढ़ाऊ पर छह पॉलिसी जमापड़ी। बुलेटिन वर्तमान समय छोटिया ब्रेक रो स्वागत परी को न्याय प्रसंग में तातिला बीजेपी। कृषि मंत्री अरुण साहू इस्तफा दाबी में बीजेपी महिला मोर्चार विक्षोभ। मंत्री अरुण साहू बासभवन घेराव बीजेपी महिला मोर्चा मंत्री बासभवन को जवा पूर्व ब्यारिकेड में बीजेपी महिला कर्मी को अटकई पुलिस और उभयों मध्य धस्ताधस्ती किसी बीजेपी महिला मोर्चा कर्मी को उठाई नहीं पुलिस। संपर्क अधिक सूचना पाई फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल। शुभलक्ष्मी केमती वर्तमान स्थिति स्तर देखुं कौन दाबी रही बीजेपी महिला मोर्चार देखो परी मामला को लेकिन आज बीजेपी महिला मोर्चा तरफ रु मंत्री अरुण साहू को बासभवन घेराव कर तो से जहां वर्तमान रही गोटे मंत्री बासभवन को चतुपार्श्वर पुलिस कवर करके रखिंट ब्यारिकेड कर रखिंट जो भाव कौन व्यक्ति मानने जो आंदोलन करजेपी महिला मोर्चा तरफ रु जो बासभवन घेर करके पशि पारे ना से चतुपार्श्वर ब्यारिकेड कर पुलिस छाउनी होती कि ता सत्वे कि महिला मोर्चार किसी सदस्य जिते अरुण साहू को बासभवन को पशा को उद्यम करुते से समय तो पुलिस से मानक उठाई नहीं तो वर्तमान आम जब देखा चारिपार्श्वर मंत्री बासभवन को जो रास्ता रही चारिपार्श्वर ब्यारिकेड कर रास्ता को सिल कर कौन लोक भितर को पशा को दि जाए ना बर्तमान सुधा आम जब देखा जदिओ छह जन को उठाई नहीं पुलिस से समय किसी धस्ताधस्ती पुलिस और बीजेपी कर्मी मध्य देखा मिलता कितु अन्य पार्श्व जदि आम देखा तो एवं सुधा जहां कहला जे आसबे मानने बीजेपी महिला मोर्चार कर्मी मैंने आसते तो पुलिस तरफ रु ध्यान दि जा शुभलक्ष्मी बर्तमान फोर्स मुतन अच्छा सुरक्षा दृष्टि निहारी भाव देखो सुरक्षा दृष्टि पुलिस फोर्स तो मुतयन करनेक कर्मी मैंने पीपीई किट पिंधिक उपस्थित रही जेहेतु कोविड गाइडलाइन रही नजर रखिकी पिंधिकी किसी कर्मी मैंने उपस्थित रही महिला पुलिस कर्मी को नियोजित कर जेहेतु महिला मोर्चा तरफ रु दि जाव करा समस्ते प्रस्तुत अच्छा पखापाखि आम जब देखा मंत्री बासभवन रतुपार्श्व आम जब देखा प्राय गोटे दुई प्लाटून फोर्स मुतयन करफिसर मैंने नियोजित होती स्थित नजर रखिंट। धन्यवाद शुभलक्ष्मी बड़ थे प्रतिनिधि सविशेष घटना संपर्क में अधिक अपडेट सूचना दौले। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा ढेंकनाल रे सरकारी कर्मचारी संदेहजनक मृत्यु बंद घर मिलला झुलंता मृतदेह मृतक होती जिला योजना एवं पर्यवेक्षण कार्यालय सूर्यकांत स्वाई ढेंकनाल कुंजकांत खरु सूर्यकांत मृतदेह उद्धार कर फेब्रुआरी मासरु सूर्यकांत चाकरीरु छटेई करा जायथिला। बापा रहुतबा सरकारी क्वार्टर्स रे रही आसुथिले सूर्यकांत 12 वर्षरु अधिक समय धरी जिला योजना ऑफिस रे अस्थाई पियन भाव में कार्य करते छटे मानसिक चापरे रहुथिले सूर्यकांत आत्महत्या पछरे चाकरी छटे कारण बोली चर्चा होउछि। साइंटिफिक टीम सह टाउन थाना पुलिस तदंत चलाइछि। पटना झगड़ा किसी ना से सत आठ मस ते आम मानने से जो पोस्ट थे छटे से ही टेनसन से सब सब टेनसन रुहत से ही टेनसन ही कम कर आउटसोर्स प्रथम पचीस टाँह लखा कंट्राचुआल बेसीस आउटसोर्स गवर्नमेंट इनहांस जो ये बढ़ला तेणु आठ हजार के करते
तेणु प्रति वर्ष तार एक्सटेनसन गवर्नमेंट करती फेब्रुआरी मसरे तार एक्सटेनसन पूरीगला आ फर्दर एक्सटेनसन गवर्नमेंट आसला जो फर्दर एक्सटेनसन ना ये कोविड पीरियड पर तथा आम गवर्नमेंट को लिखाई था गवर्नमेंट तार विचार को थिला बोधे कि तार फेब्रुआरी मस चाकरी जा टोक्यो ओलंपिक्स पाई कलिंग स्टेडियम रे आरंभ होई भारतीय जावलिन थ्रो दल प्रशिक्षण शिविर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त आथलेट नीरज चोप्रा पांच जन क्रीडाबित सामिल होते पांच क्रीडाबित दुईज कोच तीन जन ऑफिशियल स्टाफ शिविर में सामिल होते 2017 एशियन आथलेटिक्स स्वर्ण विजयी पर पुणी थे कलिंग स्टेडियम को आसी नीरज चोप्रा भल भित्तिभूमि सह ओलंपिक्स पाई एठारे निजक प्रस्तुत करिवु आ सफल हेबो बोली न्यूज 18 ओडिया को स्वतंत्र साक्षात्कार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त क्रीडाबित नीरज चोप्रा नीरज को सह कथा होइछंती आम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बळ टोक्यो ओलंपिक्स पाई कलिंग स्टेडियम रे आरंभ होई भारतीय दलर प्रशिक्षण शिविर शिविर में सामिल होती अंतर्जातीय जावलिन थ्रोर आम कहीपर नीरज चोप्रा सीधा सड़क सहित आलोचना करवा केमती रही प्रस्तुति नीरज जी क्या कहेंगे एशियन एथलेटिक्स के बाद फिर से कलिंग स्टेडियम में आपका स्वागत है तो क्या कहेंगे क्या उम्मीद है किस तरह से प्रैक्टिस रहेगा नहीं काफी अच्छा है वो तो कंपटीशन खेलने आए थे और काफी कंपटीशन भी काफी अच्छा रहा था मेरा यहाँ पे गोल्ड जीता था और एशियन चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ और उसके बाद अभी आए हैं तो काफी एक अच्छा लग रहा है और कोशिश यही करें कि यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग हो और अपना ट्रेनिंग को अच्छे से करके अपना और अपनी थ्रो को और आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि कलिंगा स्टेडियम का ये जो वेन्यू है आपके लिए लकी है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल भी हुआ था तो यहाँ से अगर प्रैक्टिस करेंगे फिर ओलंपिक के लिए प्रिपेयर होंगे तो क्या कहेंगे जी बिल्कुल काफी टफ कॉम्पिटिशन था एशियन चैंपियनशिप में और लास्ट थ्रो में मैंने गोल्ड जीता था तो काफी अच्छा है और वही है कि अब ट्रेनिंग हमारा काम ट्रेनिंग करना है और अच्छे से वो हम कहीं पे भी हो हम वो अच्छे से 100% अपना देते हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि काफी दिन बाद आए हैं और होप ट्रेनिंग काफी अच्छी रहेगी यहाँ पे और देखा जाए अभी ये जो 2020 ओलंपिक था लेकिन ये कोरोना के लिए पोस्टपोन हुआ है नेक्स्ट ईयर होगा तो ये जो पोस्टपोन हुआ है आप लोगों का जिस तरह से प्रैक्टिस था तो मेंटली कुछ इफेक्ट हुआ है ये जो कोरोना का पैंडेमिक का नहीं ऐसा कोई मतलब वैसे मेंटली बहुत ज्यादा नहीं हाँ ये तो बिल्कुल देखो हम अच्छे से तैयारी कर रहे थे अच्छी ट्रेनिंग की थी और फिटनेस अच्छी थी तो एक ये अच्छा टारगेट मिल रखा था कि हाँ इस साल ओलंपिक्स और हम पूरी तैयारी के साथ थे लेकिन एकदम जैसे ये पता लगा कि नहीं पोस्टपोन हो गया है थोड़ा बहुत होता है एथलीट्स को कि ऐसा लगता है कि यार देखो हमने इतनी मेहनत की थी लेकिन वही है कि ये एक यही बात है कि सिर्फ हमारे साथ नहीं पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स के साथ हुआ है तो वही अभी अपना वही कंटिन्यू रख के उसको एक पॉजिटिव वे में लेके कि यार कोई बात नहीं हमको एक साल एक्स्ट्रा मिल गया है तो हम हमारी जो कमियां थी या ट्रेनिंग में जो हमको लगता था और थ्रो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए तो अभी हमको टाइम मिल गया तो उस पर हम काम कर सकते हैं क्या कहेंगे अभी जो भारत सरकार ज्यादातर स्पोर्ट्स को फोकस कर रहे हैं ओलंपिक को टारगेट ओलंपिक जैसे चल रहा है अभी तो क्या आपका क्या उम्मीद है इंडियन टीम अभी कैसा है और फिर ओलंपिक को लेकर क्या उम्मीद है मेडल रहेगा या नहीं जी बिल्कुल देखो अभी सरकार इतना होकर या तो एथलीट्स भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और बाकी तो वही है कि कुछ कॉम्पिटिशन अगले साल स्टार्ट होंगे उसके बाद ही बता सकते हैं कि कैसा मतलब एथलीट्स का कैसा माइंडसेट और कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अगले साल जब कंपटीशन स्टार्ट होंगे उसी टाइम पता लगेगा बाकी वही है कि अगर गवर्नमेंट भी अच्छा एथलीट्स के ऊपर कर रहा है तो एथलीट्स भी 100% अपना 100% ही देंगे और ये वेन्यू के बारे में क्या कहेंगे कलिंगा स्टेडियम में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहेंगे अच्छी तरह से हो पाएगा हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से हो पाएगा काफी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी वगैरह काफी अच्छी है और वेदर काफी अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा रहेगा ट्रेनिंग थैंक यू बेस्ट ऑफ लक जमी आप शुणुते कि कलिंग स्टाडियम एशियन आथलेटिक्स पर पुणी थे कलिंग स्टाडियम भारतीय दल जैवलिन प्राक्ट आरंभ हो आम कहपर प्रशिक्षण शिविर आरंभ हो तो भारतीय दल जी अच्छा मुख्य आम कहीपर अंतर्जातीय प्लेयर नीरज चोप्रा तो ओलंपिक प्रस्तुति हे आ मेडल हाथेबा को लक्ष्य रखिंट भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया नागार्जुन बेशर चंद्र सूर्य गायब होगा घटना चंद्र सूर्य फेर सेवायत आज सका संपुक्त सेवायत बेश कारीगर को चंद्र सूर्य फेर बेश कारीगर यह श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी फेरते कि तदंत चली चंद्र सूर्य को ग्रहण कले श्रीमंदिर प्रशासन एनेक बेश कारीगर बसंत रणा सूचना देखते
कृषि बिल को नहीं नरमि पारंती सरकार इस संपर्क में संकेत देखती कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से कहते एमएसपी किसी परिवर्तन होबनी चाषीों जमी उपरे अधिकार केवल चाषीों रही संपर्कित अधिकार किंबा कागजपत्र में कौन प्रकार हस्तक्षेप सत्वे निज दाबी अटल चाषी एम आईन प्रत्याहार दाबी लगी जिद धरी तेज सरकार एधरणर प्रतिश्रुति पर रणनीति कौन रपर्क सिंघु सीमें चली बैठक तेज आसंता सरकार आलोचना बेले कि प्रकार आभिमुख्य रसंगे बैठक में आलोचना हो एक महीना भी हो जाए जी नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होते। हम पंजाब के किसानों के समर्थन में आए हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया एक महीना हो जाए दो महीना हो जाए हमारी ट्रालियों में छह महीने का अनाज है, जब तक अनाज है खत्म हो जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा जी। हम कानून खत्म होने तक यहाँ से बिल्कुल जाएंगे नहीं। जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100 रुपए क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपए किलो है, तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपए किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपए क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं। किसानों की बनाई हुई सरकार है, परमपिता परमात्मा हमारे देश के मुखिया जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो मीडिया पे जाके सिर्फ एक बयान अगर वो दे देते हैं कि देश में एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, जो एमएसपी से नीचे फसल खरीदेगा उसको कानूनी अपराध माना जाएगा, लूट का मुकदमा दर्ज होगा, सारा कहानी ही खत्म। हम कहना चाहते हैं कि इतनी कमियों वाले बिल जो लेकर आए हैं ये अब फाड़ने पड़ेंगे, ये रद्द होने चाहिए, ये रद्द किए के बगैर सरेगा नहीं। कल को भी यही बताएंगे, आज भी यही बता रहे हैं कि पूरे देश के 507 संगठन हैं, उनको सभी को बुलाया जाए, सभी को बुलाकर मोदी जी खुद बात करें और उनकी सभा में ये बिल फाड़ कर फेंक दें और बोलें माफी मांगे देश से, मोदी जी माफी मांगे हाथ जोड़कर कि हमने तुम्हारे साथ धोखा किया, हमारे को माफ किया जाए क्योंकि इतनी कमियों वाले बिल हम लेकर आए जो नहीं लाने चाहिए थे। समस्त बुलेटिन को नमस्कार।